नाजरी ये देखे इधर से पानी गिर रहा, तो पानी की स्पीड है वो देखो बहुत ज़्यादा। बच्चा डूब गया नहाते हुए इस नहर के अंदर, तो अभी रेस्क्यू वाले जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाजरी ये देखा है आपने पानी का कितना शोर है, और ये इतना ज़्यादा शोर है कि यहाँ पे खड़ा होना बहुत काफ़ी मुश्किल है। की लहरें हैं वो देखने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान की सबसे जो ख़तरनाक और खूनी नहर है वो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे हर साल बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, बहुत ही खूनी ये नहर है। तो आए हम आपको वो नहर पर लेके जाते हैं और वहाँ का आपको व्यू करवाते हैं। जी नाजरीन हम उसी जो नहर की तरफ जाने वाला रास्ता है उस तरफ जा रहे हैं। इस नहर को डेंजरस इस लिहाज से कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो जाने का रास्ता है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। ये कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, ट्यूबवेल पर नहा रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। इधर से फ्रेंड आप देखें ये सीन कितना डेंजरस दिखाई दे रहा है। साइडों पर आप देखें और ये दिफा है, ये काफ़ी खौफनाक सीन है। इधर इस टाइम हम खड़े हैं बिल्कुल जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो दफाई बॉर्डर है उस पर हम खड़े हैं। ये आपको सारी जो नज़र आ रही है ये देखें, ये मोर्चा पाकिस्तान का, ये डिफेंस लाइन है पाकिस्तान की। तो ये देखें सारा सुनसान सा इलाका है। ये कि हमारी जो गाड़ी है ये देखें पंक्चर हो चुकी है, पंक्चर गाड़ी को हम लेके जा रहे हैं। तो यहाँ का रास्ता वो बड़ा ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम जी भाई जी, किधर जा रहे हैं आप? हम यार इधर नहर पे जा रहे हैं। नहर बी आर पी नहर पर? हाँ जी। तो पहले भी कभी इधर आए हैं या नहीं? हाँ जी पहले गए हैं। और ये भाई लाहौर से इनको लेके जा रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं नहर देखनी है। ये भाई कह रहे पीछे वाले जी भाई जान आप लाहौर से आए हैं? हाँ जी। तो ये कूलर के अंदर क्या डाले हुए? बस लस्सी है। लस्सी है? आम नहीं लेके आए साथ? आम भी लेके आए साथ। ये भाई लाहौर से हैं स्पेशली तौर पर बी आर पी नहर का नज़ारा करने के लिए, तो अभी जा रहे हैं नहर पर। तो बाकी की वीडियो आपको वहाँ से दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये वो पॉइंट है जो एंट्री पॉइंट है नहर का, तो आपको अंदर से इसका व्यू कराते हैं। ये देखें जी नाजरीन, तो इस पर यहाँ पर ना काफ़ी फैमिली वगैरह भी आई होती है, तो आपको सारा इसका व्यू कराते हैं। ये देखें नाजरीन ये देखें, ये है इस नहर की खूबसूरती। और ऐसी जो नहर है वो आपने कभी भी नहीं देखी होगी, ज़बरदस्त किस्म का ये पॉइंट है। तो आप यहाँ आएँ और इसको विज़िट करें आकर। जी नाजरीन ये देखें इधर से पानी गिर रहा है, तो पानी की स्पीड है वो देखो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना किसी बंदे की जो अमवात हो गई है उसकी डेड बॉडी को ना ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू वाले जो है ना उनकी डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए ये लोग अब डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये रेस्क्यू वाले भी लगे हुए हैं। ये भाईजान हैं गोताखोर हैं, स्पेशलिस्ट लाहौर से मंगवाए गए हैं, तो ये भी बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल वो कोशिश है वो बेकार है। अभी रेस्क्यू वाले भी लगे हुए हैं, ये देखें ये रेस्क्यू वाले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डेड बॉडी को, लेकिन दो दिन हो गए हैं कि डेड बॉडी अभी मिली नहीं है। किसी बच्चे की ना बच्चा डूब गया नहाते हुए इस नहर के अंदर, तो अभी रेस्क्यू वाले जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाजरीन ये जो पुल बना हुआ है दो जो गांव हैं उनको आपस में मिलाता है। जी नाजरीन देखें पानी की जो आवाज़ है वो बहुत ही तेज़ किस्म की है, और पानी की जो स्पीड है वो बहुत ही आला किस्म की है। ये देखें आपको ये शोर सुनाई दे रहा होगा, और कितनी हैवी किस्म का इसका शोर है पानी का। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म का यहाँ का नज़ारा है, एक ब्यूटीफुल किस्म का सीन है।
नाजरीन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो गायें और भैंसें हैं वो इस पानी के अंदर, ये देखें, ये जो गायें और भैंसें जो पानी के अंदर डूब चुकी हैं, वो उनकी जो लाशें हैं डेड बॉडी वो पानी के अंदर तैर रही हैं। ये देखें, एक दो तीन और एक आगे वो चौथी वो किस्म की जो चार हैं वो आपको दिखाता हूँ वो थोड़ी करीब से। ये देखें, तीन आपको ये नज़र आ रही हैं। अब ये इनका यहाँ से पानी से निकलना काफ़ी मुश्किल है। ये देखें पानी कितना स्पीड से चल रहा है। आप मैं आपको दूसरी जो गायें हैं वो भी दिखाता हूँ। एक जो गायें हैं वो यहाँ पे है और एक गाय वो यहाँ पे है। तो ये इस वजह से इस नहर को खूनी नहर कहा जाता है और सबसे ख़तरनाक पाकिस्तान की जो सबसे ख़तरनाक नहर है वो इस वजह से इसको कहा जाता है। और आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, अब आपको ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी जी। नाज़रीन, तो आपको सारी जो नहर है उसका व्यू करवाते हैं। तो ये है वो सारा उसका सीन, जो बहुत ही अलग किस्म का सीन है। तो ये देखें लोग इस नहर का जो करीब से नज़ारा कर रहे हैं, तो अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें इसका सारा मंज़र है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कुछ बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम जी भाईजान, कहाँ से हो? आपने पूछा है, इधर से हूँ। कौन सी नहर है? बीआरबी नहर। ये चले जी जबरदस्त। ये देखें जबरदस्त किस्म का इधर का व्यू है। ये बच्चे भी आए हैं जी। बच्चे, आपका नाम क्या? अवैस। अवैस, आप किधर से आए हो? मैं इधर से इधर से। ये कुछ दोस्त वगैरह भाईजान। वालेकुम सलाम जी भाईजान, आपका नाम क्या? भाईजान मेरा नाम है अली रजा। अली रजा साहब, आप किधर से हैं? हम जी स्टेशन से हैं, जमालपुरा से। इंजॉय करने आए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत दुनिया आई है, वहां पे खाना पक रहा है। खाना पक रहा है यार, वो अपन नहीं मिलना, वो अपने बात दुकान पे। हाजिर, ये देखे कुछ दोस्त मिलकर आए हैं। तो कुछ दोस्त मिलकर आए हैं तो अपना इंजॉय वगैरह कर रहे हैं जी। नाजरी, ये देखे कुछ दोस्त है यहाँ पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। तो बहुत अच्छा बंदा है। तो ये कुछ दोस्त अपना इंजॉय वगैरह कर रहे हैं, पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। खाने शाने का मैंने इंतजाम किया होगा जी। तो नाजरीन, ये कुछ दोस्त वगैरह आए हैं तो अपनी ये पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। खाने सब खाने वगैरह का उन्होंने अरेंज किया होगा। तो अभी ये खाना खा के फ्री हो गए हैं, तो अभी इसके बाद ये नहाएंगे। तो काफ़ी अल्लाह गुल्ला हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय वगैरह कर रहे हैं जी। ये भाई अभी पानी के अंदर छलांग लगाने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं ये पानी के अंदर जो छलांग है, ये डुबकी है, ये कैसे लगाते हैं जी। नाज़रीन, ये देखें ये बच्चे यहाँ वगैरह, काफ़ी ख़तरनाक नहर है, तो इसके अंदर ये डुबकी वगैरह लगा रहे हैं। ये देखें तो नाजरीन, ये देखें चुप कर यार। तो नाजरीन, ये देखें पानी की जो स्पीड है, ये देखो कितनी ज़्यादा। ये देखें आपके सामने ये पानी की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। पानी की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, इतनी स्पीड से पानी आ रहा है कि आप तो सफ़र नहीं कर सकते। ये देखें, जी तो नाज़रीन, ये देखें यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अलग किस्म का है, खूबसूरत है। हर तरफ हरियाली है, सरसब्ज़ जो दरख्त हैं वो लगे हुए हैं। और ये जो व्यूज़ है ये नाकाबिले बयान है। इसकी जो ब्यूटी है वो यहाँ आकर ही देखी जा सकती है। काफ़ी खूबसूरत मंज़र है यहाँ का, जो सीन है वो बहुत अलग किस्म का है।
तो ये देखें जबरदस्त किस्म का इसका व्यू है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। भाईजान आप कहाँ से आए हैं? हम जमालपुरा से। जमालपुरा से आए हैं तो यहाँ नहाने के लिए आए या वैसे इसका नज़ारा करने के लिए आए? सुबह 1 बजे की बत्ती गई हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए इंजॉय करने के लिए इधर आए हुए हैं। नहाए वगैरह भी इधर? हाँ जी नहाए हुए हैं। ठीक है, खाना वगैरह आपने इंतजाम किया था यहाँ? नहीं, इधर से ये पेशावर से हमारे दोस्त लोग आए हैं। अच्छा, इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। चले।